अद्वैतां वाणि गुणकर्णकेन भवत पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथ बुद्धिर्व्यवसिता। क्या उनको कहे हम, क्या उनके सामने गाए हम, क्या उनको धरे अर्पण करे हम। आपो सौ ने आप छो कभी मौके पे हम बैठे थे और पूजा पद्धति लिख रहे थे, पूजा कैसे होनी चाहिए उसकी चर्चा चल रही थी। हमारे शास्त्री जी लिख रहे थे और मैं बोल रहा हूं। भगवान के सामने थाली रख करके, भगवान के सामने भोग लगा करके, नैवेद्य लगा करके क्या बोलना चाहिए। नाभ्या आसीद अंतरिक्ष गुं शीर्ष द्योः समवर्तत पदभ्याम भूमिरिषः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। हंस पड़े। सभी ये बोलेंगे क्या? मैंने कहा सभी तो नहीं बोल सकते, तो सभी क्या बोलेंगे और क्या बोलना चाहिए। भगवान के सामने खाना रख करके, नैवेद्य फल आदि रख करके हम बोले तो क्या बोले। मैं चुप हो गया, क्या बोले। मैंने कहा अभी बंद करो तुम्हारा लिखना और मैं सो जाता। मैं जाकर के सो गया, मुझे नींद नहीं आई, मैं सोचता रहा क्या बोलना चाहिए। और गुजराती भाषा में सुबह मैंने संध्या करके कहा कि आ जाओ आ जाओ, अब मैं बोलता हूं तुम लिख लो। और भगवान लक्ष्मी नारायण को हमारा गुजराती में जेने कहे थाड़, थाली लगाई जाती है उनको, भोग लगाया जाता है, तो क्या बोलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि लिख लिख मिल। खाना खाते खाते, खिलाते खिलाते क्या कहे हम। बहुतों ने कहा है, हमने कहा वो तो उनकी भावना होगी, अगर मैं कहूं, अगर हम कहे तो क्या कहे। मंत्र बहुत हैं, श्लोक बहुत हैं, भजन कीर्तन थाड़ बहुत है, अगर हम थाली लगा करके भगवान के सामने कहे तो क्या कहे, हमारी अंदर की आवाज क्या होनी चाहिए। तो श्री लक्ष्मी नारायण तमने भोग लगाओ भाव थी, श्री लक्ष्मी नारायण तमने भोग लगाओ भाव थी, प्रेम धरी पकवान बनाव्या, प्रेम धरी पकवान बनाव्या, चरणे राखू चाव थी, श्री लक्ष्मी नारायण तमने भोग लगाऊ भाव थी, श्री लक्ष्मी नारायण तमने भोग लगाऊ भाव थी। दांत हता नहीं मारा त्यारे, पाड़ियो वैना पान थी, दांत हता नहीं मारा जारे, पाड़ियो वैना पान थी। मुझे वो दिन याद है कि जब मैं इस संसार में आया, मेरे दांत नहीं थे, अगर मुझे किसी ने थाली लगा दी होती तो मैं खा नहीं सकता था। पहली बार जब दुनिया में मैंने खाया
मुझे भूख लगी पहली, दांत हता नहीं मारा त्यारे, आपने मेरे लिए ऐसी वस्तु भेजी थी, पाड़ियो पैना पान थी, दांत हता नहीं मारा त्यारे, पाड़ियो पैना पान थी, माता ना हैयामा बेसी घबराव्यो तो ध्यान थी, माता ना हैयामा बेसी घबराव्यो तो ध्यान थी, विश्वंभर विश्वास करूं छू, विश्वंभर विश्वास करूं छू, लीधे लाए लाव थी, श्री लक्ष्मी नारायण तने भोग लगाऊं भाव थी, श्री लक्ष्मी नारायण तने भोग लगाऊं भोग लगाऊं भोग लगाऊं। जब मेरे दांत नहीं थे तब आपने मेरे लिए दूध भेजा था, मैं कुछ भी खाने में असमर्थ था, तब आपने मेरे लिए ऐसी वस्तु भेजी थी, और केवल दूध नहीं, आपने मां के हृदय में बैठ करके मुझे बहुत प्यार से उठा लिया था और मुझे दूध पिलाया था। बस इतनी बात को जब मैं याद करता हूं तो मेरे हृदय में हृदय मेरा भक्ति से भर जाता है, मैं आस्तिक हो जाता हूं। ये लाभ पर आपो सौ ने आप छोए जानी ने परमात्मा, आपो सौ ने आप छोए जानी ने परमात्मा, अर्पण करूं आपने कहीं माल नथी ये वात्मा, अर्पण करूं आपने कहीं माल नथी ये वात्मा, भीतर ना हूं भाव कहूं छू, भीतर ना भाव कहूं छू, शब्दो साचा साव थी, लक्ष्मी नारायण तमने भोग लगाओ भाव थी, श्री लक्ष्मी नारायण तमने भोग लगाओ भोग लगा भोग लगाओ। और भी बहुत कहा किंतु मूल बात जो मुझे कहनी थी, देते तो आप हमको है, हम आपको क्या दे, मजाक सा लगता है जब हम देने चलते हम क्या दे, आपने हमें इतना कुछ दिया है, तुदियम वस्तु गोविंद, आपने ही जो दी है वो हम आपको देते और क्या दे। और यदि देने का कोई पदार्थ है ध्यान देना तो वो है हम उनको ध्यान दे, हम उनको मन दे। हम भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि मय्येव मन आदत्स्व, तुम यदि देना चाहते हो तो ये दो ना, मयि बुद्धिम निवेशय, बस ये दो वस्तु मुझे दे। मय्येव मन आदत्स्व, मुझ में ही तुम अपने मन को लगा दो। मयि बुद्धिम निवेशय, बस इतना बहुत फूल हो गया। यदि इतना तुमने कर दिया तो निवसी से सी मई एवं न संशय, फिर कोई संशय नहीं कि तुम मेरे नहीं, और ये यदि रह गया तो तुमने कुछ नहीं,
मेरा कहने का तात्पर्य पूजा चेतन होनी चाहिए। एक आदमी ने गणपति बापा मोरिया सुना कि गणपति तो रिद्धि सिद्धि के देव हैं और संपत्ति का ढेर लग जाता है जहां गणपति की पूजा होती है। सिद्धि विनायक के मंदिर में गया और पूजा की और सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात, लाया कहीं से गणपति की मूर्ति घर में बिठाया, पूजा की, लड्डू का ढेर लगाया और कहा कि हे सिद्धि बुद्धि के स्वामी मुझे बहुत समृद्धि दो। निधि नान्त्वा निधिपति गुम हवा, ये निधि, ये संपत्ति, ये खजाने गणपति जी ने कुछ नहीं दिया। बहुत दिन पूजा की, घंटियां हिलाई, ये बत्तियां जलाई, अगरबत्तियां घुमाई, कुछ नहीं हुआ। वो बड़ा गुस्सा आया, ये पेटू इतने मेरे लड्डू खा गया और मैंने क्या क्या खिलाया, अपने बच्चों को नहीं खिलाया, इनके सामने रखा और मुझे कुछ नहीं दिया इन्होंने। इतने में नवरात्रि आ गई, सोचा कि ये तो काम का नहीं है देव, जगदम्बा की मूर्ति लाया कहीं से उठा करके, ये चाहिए, ये देखो सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। ये मां बड़ी उदार होती है, मां बड़ी कोमल। गणपति को उठाकर रख दिया ऊपर और देवी को बिठाया गया, पूजा की। या देवी सर्वभूतेषु कहकर के बात कुछ, अंबे अंबिके अंबालिके नमः नयति कश्चन सशस्त स्वकः सुभद्रिकां काम। बहुत अच्छे ढंग से पूरी नवरात्रि में उन्होंने बहुत धूमधाम से पूजा की। एक दिन वो पूजा कर रहा था और ये अगरबत्ती, ये धूप जलाया और धूप की सुगंध ये सीधी गणपति की ओर गई, धुआं गया। तो वो सोचता है कि इस पेटू ने कुछ नहीं दिया और सुगंध लेता है, ये सारा खाना, ये सारी सामग्रियां मैंने देवी को दी और सुगंध उनको आ रही। तो उसने रुई उठाई और नाक में सुगंध लगाए मुफ्त में। जो ही रुई की ठेठी बना करके नाक में यूं दबाई तो गणपति जी खड़े हो गए कि वर मांगो, ये सिद्धि लो, ये तुम रिद्धि लो, ये तुम खजाने लो, ये तुम संपत्ति लो, तुम कहो। वो तो बड़ा घबराया घबराया, बोला कि इतने दिन मैंने लड्डू खिलाए तुमको, इतने दिन मैंने तुम्हारी पूजा की, ये महापूजा की, तुम्हारी 56 भोग लगाए, तुमने कुछ नहीं दिया, और आज रुई तुम्हारी नाक में डाली तो तुमने मुझे सब कुछ देने का कहा। बोले अभी तक तुम मुझे पत्थर समझते थे, आज तुमने कम से कम ये स्वीकार लिया कि मुझे सुगंधी आ रही है, मैं जिंदा हूं, मैं चेतन हूं, मैं मरा हुआ नहीं हूं। भगवान को पत्थर मत मानो, उनको जिंदा मानो, और शर्म आएगी यदि आप उसको भगवान मानेंगे। और 10 पैसे का या 50 पैसे की कपूर जला करके लोग कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का, स्वामी दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का हो। ये 50 पैसे की कपूर में तुम सुख संपत्ति चाहते हो, कष्ट मिटे तन का, ये 80,000 में होने वाला बायपास तुम 50 पैसे के कपूर में करवाना चाहते हो, कष्ट मिटे तन का।
दुख विनिश्चय मन का, ये बहू सासू का झगड़ा वो भी तुम इनसे मिटाना चाहते हो, ये तुम्हारा टेंशन सारा तुम 50 पैसे में खत्म करना चाहते हो, ये चेतना की बात नहीं है। ईमानदारी से यदि कहा जाए तो हम क्या कहेगा, उपकार। हमारे गुजराती महात्मा भक्ति की भाषा में बोलते हैं, बहुत अच्छा, अच्छे अच्छे कीर्तनों के बहुत अच्छे संत हमारे गुजरात के बहुत अच्छे। बिल्कुल भगवान के सामने प्रॉपर सीधी सीधी डायरेक्ट बात करने वाले गुजरात के संत, कई संत हुए, मुझे बहुत अच्छा लगता जिनकी भाषा सीधी भगवान को छू लेती, उनके हृदय में चली जाती। भगवान से यदि कहे तो क्या कहे, और उन्होंने जो कहा है मुझे बहुत अच्छा लगता। उनका हर शब्द, उनकी हर भावना, उनका हर कहने का तात्पर्य बहुत अच्छा लगता। कई संतों ने कहा है ये शब्द मुझे बहुत अच्छे लगते। भगवान को यदि हम कुछ कहे तो केवल इतना ही कह सकते कि उपकार तुम्हारा भारे रे ए सौना मंगलकारी जो हूं वारे वारे रे ए सोना मंगलकारी उपकार तुम्हारा भारे रे सोना मंगलकारी उपकार तुम्हारा भारे रे सोना मंगलकारी जो हूँ वारे वारे रे सोना मंगलकारी उपकार तुम्हारा वारे रे सोना मंगलकारी सोना मंगलकारी। यदि हम कुछ कहे तो इतना ही कह सकते हैं कि आपने जो दिया है कोई कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, मैं उसको निभाने के काबिल नहीं हूं, तेरी मेहरबानी हे बोझ इतना कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं, तेरी मेहरबानी का हे बोझ इतना कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, तेरी मेहरबानी तेरी मेहरबानी तेरी मेहरबानी। मैं आ तो गया हूं किंतु मुझे मांगने में शर्म आती है, क्योंकि जो पहले दिया है वही कम नहीं।
आपने जो दिया है कोई कम नहीं है कोई, और कुछ मांगने जैसा है, इतना ही मैं यदि संभालूं तो बहुत है। बिना मांगे आपने जो दिया है, केवल हम धन्यवाद ही दे सकते हैं कि थैंक यू गॉड, आपने जो दिया है बहुत। मेरा कहने का तात्पर्य, पूजा करके जब हम विशेषार्घ्य हाथ में लेते हैं तब कहते हैं कि रक्ष रक्ष महादेव रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्ता नाम भयंकरता त्राता भव भवार्णवाद वरदत्वं वरम देहि वांछितं वांछितार्थद अनेन फलदानेन फलदोस्तु सदा मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरण। मुझे बहुत अच्छा, सब कुछ दे करके कि हम हाथ जोड़ कर कहे कि हम आपको क्या दें, तुमने चढ़ावू शोने पोषण करनारा मने चढ़ाऊ शो तू सोनो पोषण करनारा हूँ तुमने चढ़ाऊ तू सोनो पोषण करनारा तुमने चढ़ाऊ। मैं क्या दूँ आपको, बहुत अच्छा। जब निखालस भाव से हम कहते कि हम आपको क्या, तुकाराम जी ने कहा है महाराष्ट्री भाषा में, बहुत अच्छा। हमारे गुजराती जलाराम बापा ने ना जाने किस बेस में नारायण मिल जाए कह करके, देखना मैं ये कहने चला था कि पदार्थ बहुत छोटी वस्तु है, भावना बहुत बड़ी वस्तु है। तो पूजा ऐसी होनी चाहिए जिसमें भाव हो, जिसमें, वरना होता क्या है। पूजा में जब हम बैठते हैं शास्त्री जी बोलते हाथ में जल ले लो, साक्षत जलमादाय ओम विष्णोर विष्णोर विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुष से विष्णोर आज्ञया प्रवृत मान से अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे सप्तमे वैवस्व मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे। आर्यावर्ते क्या कहते हैं मुंबई को, महाराष्ट्र महामाया नगर, महालक्ष्मी सन्निधो साधु बेला आश्रमे शिवपुराण से द्वितीय हनी यत पूजितम अनेन पूजनेन भगवान महादेव प्रियताम नमः। पूजा में बिठा करके कहते हैं कि बहुधा ये जो आजकल की बात है, एक सेठ को कहा कि पूजा में बैठ जाइए, तो बेचारा कभी बैठा नहीं था तो बैठा बैठा चलो, कहा कि देखो ये गणपति और सोपारी पकड़ा दिया उसको, इसको तुम रखो, ये क्या है गणपति है थाली में रखो। महाराज ये सोपारी, बोले हाँ ये भावना करो तुम गणपति, अच्छा ठीक। वो क्या बांधते हैं हाथ में नाड़ा छड़ी की ऐसे ऐसे दो यूं करके, ये वस्त्र लो, क्या है, बोले ये वस्त्र है अर्पण करो, ये कहां वस्त्र है, अरे तुम